हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और हम आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी अब एक थ्रिलर मिस्ट्री बन चुकी है। बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। इस थ्रिलर मिस्ट्री में ड्रामा है, पॉलिटिक्स है और एक्शन है। और पहली बार इस मामले में सुशांत के पिता टीवी कैमरे पर दिख रहे हैं। पटना में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन कैमरे पर उन्होंने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। बड़ी खबर इस समय की, मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया, तब जाकर पटना में केस दर्ज कराया। मुंबई पुलिस से मांग की है कि वो पटना पुलिस की मदद करे। तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह पहली बार कैमरे के सामने आए, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। 25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार मानकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस दुख की घड़ी में सच का साथ। तो सुशांत के पिता का मुंबई पुलिस पर बड़ा आरोप, बिहार पुलिस की मदद करे। 40 दिन तक मुंबई पुलिस ने कोई जांच नहीं की, उसके बाद बिहार में केस दर्ज कराया।